बड़ी खबर आ गई है, भारत पहुंची है शेख हसीना। बहुत बड़ी खबर, भारत पहुंची है शेख हसीना, मित्र राष्ट्र है। अगरतला में लैंड हुआ है हेलीकॉप्टर, त्रिपुरा के अगरतला में लैंड हुआ है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है, बनाया। एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है, अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ। था ये सरकार पलटने की चाइना पहले दिन से कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट ने इंडिया को एक पोर्ट भी दिया था जिस पोर्ट से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है, क्योंकि उनको बांग्लादेश की आर्मी ने 45 मिनट की डेडलाइन दी थी कि आप रिजाइन कर दें। कि वहां जो शेख हसीना को लेकर लोगों की नाराजगी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां भारत विरोध की लहर और बढ़ेगी, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। शेख हसीना से पहले उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को भी जब मदद की जरूरत पड़ी थी तो भारत ने उनकी मदद की थी। रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को लेकर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लगभग 100 लोग, मोटा मोटी बता रहा हूं, लगभग 100 लोग मारे गए और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे। जो कोई प्रेशर नहीं है बांग्लादेश के आर्मी के चीफ के ऊपर कि इसको जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराया जाए, उन्होंने ये बोला कि हम एक नई गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन ये नहीं बोला कि हम इलेक्शंस करवाएंगे। प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोटेस्ट हुआ है उसकी क्या सिचुएशन, मुझे ऐसे लगता है कि बांग्लादेश की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस थी वो तो उनके साथ थी, लेकिन फौज जो है वो समहाउ ये कि फैसला कर बैठी थी कि ठीक है। बांग्लादेश में चाइनीज जो हैं वहां पर जो वो एक्टिव कुछ ज्यादा दिख रहे हैं अभी। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में और इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी मीटिंग्स जारी हैं सबकी। हम जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको तो पता ही है, मदरसा वाले लोग, मदरसा टाइप के जो मुस्लिम होते हैं, जो रेडिकल होते हैं, वो लोकतंत्र में रह ही नहीं सकते। मदरसे से पढ़े लिखे जमातुल दावा, जमात इस्लामी, इन सब के लोग होते हैं, इन्हीं सब टाइप के संगठन के लोग होते हैं। अब दोस्तों लगभग 20 लाख के आसपास ऐसे मदरसा स्टूडेंट घेर लेते हैं घर जो बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना का। मिलिट्री ने भी कहा था कि भाई हम आपकी रक्षा नहीं कर रहे, हम तो खुद अब कू करने वाले, तख्ता पलट करने वाले। तो शेख हसीना वाजिब भाग गई, आ गई भारत में, क्योंकि भारत से उनके रिलेशन सबसे अच्छे हैं और वहाँ पे मिलिट्री शासन लग गया। और बहुत सही हुआ भाई, ये मौलवी टाइप के लोग, मदरसा टाइप के लोग लोकतंत्र में ऐसी की तैसी कर दें। भारत में लोकतंत्र आप देखो क्या कहते हैं, हम 10 बीवी रखेंगे, 50 बच्चे पैदा करेंगे, कौन हमें रोक सकता है। जब मिलिट्री शासन होता है ना तो कहते बेटा हम रोकेंगे तुम्हें, और ऐसा रोकेंगे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दें। तो बड़ा सही हुआ, ये मौलवी को ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो हालांकि भारत के लिए तो ये घाटा है, शेख हसीना वाजिब चली गई, वो भारत प्रो थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी वो भी डाउन जाएगी और मजा आएगा इनको पाकिस्तान वाली कंडीशन अब होने वाली है। बोल जाए स्पेशल प्राइम मिनिस्टर का घर था, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। और दोस्तों ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उसके घर में जा रहे हैं, उसका फर्नीचर चोरी कर रहे हैं। आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था एक टाइम पे, आपको याद होगा 9 मई को पाकिस्तानियों ने क्या करा था, जब घुस गए थे कोर कमांडर लाहौर के घर में, उसके घर से भी उन्होंने कोरमा चुराया था, मोर चुराई थी, स्ट्रॉबेरी चुराए थे, सब्जी, दाल, चावल, सब कुछ चुरा लिया था। वैसे ही बांग्लादेशियों ने शेख हसीना के घर में घुस के उसका फर्नीचर चुरा लिया, पता नहीं क्या क्या और चुरा लिया वहां पर, सेम टू सेम। और यहां पे आप फोटोग्राफ देखिए कि बंगबंधु, जिसको लोग कहते हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उसकी मूर्ति के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है और हथौड़े से उसकी मूर्ति तोड़ रहा है। ये वही बंगबंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था, दोस्तों भूलना नहीं है, ये वही बंगबंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। और एक जमाने में दोस्तों पाकिस्तानी फौज ने इसके परिवार की हत्या की साजिश करी थी और भारतीय सेना थी जो इनके पूरे परिवार को सेफली वहां से निकाल के इंडिया लेकर आई। अच्छा दोस्तों ये तो होगी बैकग्राउंड स्टोरी, अब हुआ क्या है वहां पे? हुआ ये है कि लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर, ये चुपचाप भागी कार से, एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड कर गया। वहां पे वकारुज्जमान, वकारुज्जमान कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी, उसने पूरे देश से खिताब करा, देश को एड्रेस करा और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया, इट्स टू मच।
वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है। लेकिन ये फौज का तख्ता पलट करना क्या ये पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था, और जिसने बांग्लादेश बनाया शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या। यहां पे दोस्तों बात यह है कि चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मैटर में। और चीन का क्या हाथ है? सबसे पहले तो शेख हसीना गई, हमने कवर करा था टीसीडी हिंदी में, शेख हसीना गई और शेख हसीना ने चाइना में जाके जो भी अपना काम करा वहां पे उनको सिग्नल गड़बड़ दिखाई दिए, देखा कि वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उनको, उन्होंने देखा वो इज्जत नहीं मिल रही, और जो पैसा देने की बात करी थी चीन ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए, चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिया। और चीन ने अपने हाथ पीछे करने के बाद चाइना ने कुछ 5 अरब की बात हुई थी, कुछ 100 मिलियन में रफा दफा करने की कोशिश करी और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उनको बुरा लगा, वो वापस आ गई वहां पे। साथ ही साथ सारा गेम चल रहा है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और वो खुले कहती हैं शेख हसीना कि चीन को ये नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को जाना था, चाइना को नहीं गया। अब आप समझ लीजिए, बीच में अडानी 10,000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है, चाइना चाह रहा था कि सारा काम वो करे, लेकिन चाइना इन सारी रेस में पीछे था। वहां पे अमेरिका का भी एक फैक्टर है दोस्तों, एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है, अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ, अमेरिका भी नाखुश था। लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है, मैं आपको बताता हूं कैसे। ये शेख हसीना के कुछ लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स लगातार शिकायत कर रहे थे चाइना से कि भाईजान जो हमने आपसे हवाई जहाज खरीदे हैं, जो हमने आपसे शिप्स खरीदे हैं, जो हमने आपसे वेपन्स खरीदे हैं, आर्टिलरी खरीदी है, राइफल्स खरीदी हैं, वो सब कबाड़ा है, दैट्स ऑल ब्लडी जंक, दे डोंट फायर, आपका हथियार चलता ही नहीं है, वो हथियार किस काम का। और जब उन्होंने बोला कि आप इसको ठीक करके दीजिए, चीन ने बोला और पैसा चाहिए, और पैसा लाओ तब हम देंगे। तो ये तनाव और तकरार की स्थिति बनती चली गई, बनती चली गई, बनती चली गई। भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले पाकिस्तान हमारे फेवर में नहीं है, प्रो चाइना है, साथ में मॉरिशस की गवर्नमेंट चाइना तख्ता पलट कर चुकी है, नेपाल में सरकार पलटी है जो कि प्रो चाइना है, और अब बांग्लादेश में भी प्रो इंडिया गवर्नमेंट पलट, बहुत बड़ी खबर और ये प्रॉब्लम इंडिया के लिए है। मैं मानता हूं बांग्लादेश के बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जो भी ट्रबल्ड कंट्री होता है उसके बॉर्डर पे सिक्योरिटी हमेशा बढ़ाई जाती है, ये भी है। एक चीज और कि ये भी पता लग रहा है कि वो यहां आएंगी, यहां पर इंडिया में एसाइलम मांग सकती हैं या वो सीधे जा सकती हैं लंदन, लंदन जाके रह सकती हैं। इतनी सारी खबरों के बीच में एक खबर ये भी कि बांग्लादेश में चाइनीज जो है वहां पर जो वो एक्टिव कुछ ज्यादा दिख रहे हैं अभी हाल में, हमें कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हैं, हम इन पर पैनी नजर रखेंगे और आपको लेटेस्ट बताएंगे। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में और इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी मीटिंग्स जारी हैं सबकी, हम आपको जल्दी बताएंगे कि क्या इंडिया का रुख है, और इंडिया भी एक वो बताएगा कि आगे क्या हो सकता है, इंडिया का रुख क्या रहेगा। लेकिन चाइना के लिए या बांग्लादेश के लिए बोलूं तो ये बहुत बड़ा मौका, हमारी पड़ोस में एक गवर्नमेंट और हिली, इससे पहले भी कुछ गवर्नमेंट्स गिराई गई थी, बड़ी फेलियर है इंडियन इंटेलिजेंस की और CIA की। खैर CIA भी इस गवर्नमेंट को पसंद तो नहीं करती थी, लेकिन बिल्कुल नहीं चाहती थी CIA कि ये गवर्नमेंट जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जाएगी तो एक प्रो चाइना गवर्नमेंट आके बैठेगी, लोगों ने साथ वॉर लड़ी थी, उनके घर वालों घर के लोगों के लिए रिजर्वेशन के लिए किया था। अच्छा, रिजर्वेशन का बहाना था ये सरकार पलटने की, चाइना पहले दिन से कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट ने इंडिया को एक पोर्ट भी दिया था जिस पोर्ट से इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बनती थी, बहुत टाइम से कोशिश चल रही थी कि ये गवर्नमेंट पलट दी जाए, चाइना एक और गवर्नमेंट पलटने में सफल हुआ हमारे इलाके में। ये अब इसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखेगी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, पहले ही हमारे पड़ोस में कुछ गवर्नमेंट्स पलटी जा चुकी हैं जिसमें मालदीव था, लेकिन मालदीव दोबारा औकात में आया, मालदीव के मोइसू फिर आए इंडिया की फोल्ड में और इंडिया से आके कर्जा मांगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर की ओथ में भी आए थे मालदीव के मोइसू। एक चीज हमारे पास जो वीडियोस हैं उससे पता चलता है कि शेख हसीना गई कैसे, शेख हसीना के लिए ये हेलीकॉप्टर शेख हसीना का जाता हुआ दिख रहा है बांग्लादेश से। अब हमें ये हेलीकॉप्टर बांग्लादेश से निकला ढाका से, और ये अगर